दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है कि 100 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और कल जैसे कि मार्केट का एक बिग इवेंट है आरबीआई पॉलिसी, तो आरबीआई पॉलिसी मार्केट के ऊपर कल इंपैक्ट कर सकता है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आरबीआई पॉलिसी क्या होता है और वो मार्केट के ऊपर कैसे इंपैक्ट कर सकता है। तो आरबीआई पॉलिसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा और उसके बाद हम लोग मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डिलीव्यू। मार्केट डिलीव्यू में हम लोग देखेंगे कि 6 अक्टूबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आरबीआई पॉलिसी क्या होती है। तो दोस्तों कल जैसे कि आरबीआई पॉलिसी है और कल 10 बजे जो है कि अपने इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास जो है कि आरबीआई पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें पॉलिसी में होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है या घट गया, लेकिन आरबीआई पॉलिसी का नाम ही होता है आरबीआई जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मनी के ऊपर कंट्रोल करना। तो मनी के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्यों करना है? तो जैसे कि अगर मार्केट में पैसे ज्यादा होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी लोग जो है कि डिमांड सप्लाई की वजह से कि ज्यादा पैसे दे के भी चीजें खरीदते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और ऐसे ही करते रहेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। तो ये डिसीजन है वो आरबीआई के पॉलिसी में लेते हैं जो कि वो कल है। और कौन से कंपोनेंट होते हैं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे investing.com के ऊपर तो जो मेरे पास सोर्स है, यहाँ पे फ्राइडे को 6 तारीख को आरबीआई पॉलिसी है और जैसे कि मैंने मनी कंट्रोल पे भी चेक किया था, तो आरबीआई पॉलिसी में क्या क्या इंट्रोड्यूस होता है हम लोग देखेंगे और क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होता है। तो अगर आरबीआई पॉलिसी अगर हम देखेंगे तो दो कंपोनेंट हमारे सामने रख सकते हैं, एक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक होते हैं उनको हम लोग अदर बैंक्स कहते हैं। तो आरबीआई पॉलिसी में जो है कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो ये भी चेंज होने का चांसेस होता है जो कि हमारा है 4.50। ये सीआरआर क्या होता है, जो अदर बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई के पास जिनका एट ए टाइम जितना पैसा है, एट ए टाइम का मतलब होता है डिपॉजिट माइनस जो लोन, उसमें से 6.5% आरबीआई के पास रखना पड़ता है विदाउट इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी बैंक फ्रॉड करके जाएगा तो जो है कि क्लाइंट को पैसा देने के लिए, क्योंकि आरबीआई जो होता है ये उनको परमिशन देता है कि आप बैंक खोलो। तो ये सीआरआर मोस्टली चेंज होता नहीं है, राइट? ये चेंज नहीं होता है। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो ये मार्केट के लिए निगेटिव है क्योंकि सिस्टम से पैसा निकल जाएगा, और सीआरआर कट होता है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा है, इसको ही जो है कि रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का मतलब जो होता है कि अगर अदर बैंक्स आरबीआई से कोई भी पैसे लेती है तो उसको जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको कहते हैं रेपो रेट। अभी करंटली 6.5 है। रेपो रेट मोस्टली पॉलिसी में चेंज होता है, ये बढ़ता है या कम होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिखा है ये अनचेंज हो सकता है, यानी मार्केट क्या सोच रहा है कि ये टाइम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। तो नहीं बढ़ेगा ये ऑलरेडी डिस्काउंट हुआ है, अगर नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, मार्केट का जो एज पर चार्ट चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो चार्ट पे कैसे चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सपोज कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये 6.5 है तो 6.75 यानी 2.25 BPS अगर भी बढ़ भी गया तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग ये सोचेंगे कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं इंस्टेड ऑफ कि मार्केट में रिस्क लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ईएमआई भी बढ़ते हैं, जो बिजनेस के लिए लोन निकालते हैं उनके लिए भी जो कि लोन महंगा पड़ता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, डाउन होता है, तो ये मार्केट के लिए अच्छा है क्योंकि लोग जो जितनी लिक्विडिटी रहेगी वो क्या होगी मार्केट में आ जाएगी, ईएमआई कम हो जाएंगे। तो जो रेपो रेट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी चेंजेस होता है वो रेपो रेट में होता है। नेक्स्ट होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई के पास अगर अदर बैंक्स यहाँ पे पैसा जमा करती है तो उनको आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देती है वो होता है 3.35, क्योंकि अदर बैंक के पास अगर पैसे पड़े हैं तो क्या हो जाएगा, वो लोन देना शुरू करेंगे सस्ते में तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि ये क्या करते हैं कि आरबीआई इनको ये जो है कि इंटरेस्ट रेट जो है कि देते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाने का मतलब जब भी होता है, जब भी इंफ्लेशन बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांसेस ज्यादा होगा, जिसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। लेकिन ये टाइम पे दिखा है कि अनचेंज हो सकता है,
यानी कि जो है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में। फिर भी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और अगर ये कम होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। तो कल क्या होता है हम देखेंगे। तो 10 बजे तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले आप आरबीआई पॉलिसी देख लो, उसके बाद अपना ट्रेड डिसीजन ले लो, वो अच्छा रहेगा। अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो अगर आप निफ्टी देखा होगा तो निफ्टी 100 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो कल जब भी ये मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया था तो आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा कि ये कल का जो कैंडल है ये पूरा बाइंग प्रेशर कैंडल बना था, यानी 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट कवर किया था। तो यहाँ पे बायर्स फिर से लूट आए थे मार्केट में। तो आप पूछोगे फिर ये सपोर्ट क्यों ब्रेक किया, तो कोई पैनिक सिचुएशन में मार्केट सपोर्ट ब्रेक भी करता है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको दो नेगेटिव कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए। कितना? दो। अगर एक ही होता है तो क्या होगा, ये रिवर्स होने का चांसेस होता है। तो यही जो आज मार्केट जो ये कवर हुआ है तो एक थोड़ा बहुत रिवर्सल का चांसेस दिखता है, यानी मार्केट यहाँ से कवर हो सकता है। और कल मैंने कहा था आपको कि नीचे का सपोर्ट है वो 19,400 है और ऊपर का रेजिस्टेंस है 19,600। तो कल मैंने 19,500 का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बताया था और मार्केट आज 19,500 के ऊपर है, यानी जो अपना प्रेडिक्शन था जो कि एक्सपायरी का एक 100% गया। तो इसके लिए भी आप अच्छे अच्छा ज्यादा से ज्यादा लाइक दे दो। तो दोस्तों देखिए अपने प्रेडिक्शन कितने अच्छे जाते हैं इंडेक्स के। तो अभी यहाँ पे जो हमको दिख रहा है कि मार्केट जो है कि एक डोजी कैंडल बना है, ऊपर जाने के अभी डोजी कैंडल बना है लेकिन पॉजिटिव है और 19,500 के ऊपर जो है कि क्लोज हुआ है। कल जैसे कि आरबीआई पॉलिसी है तो थोड़ा कॉशियसली हमको ट्रेड करना पड़ेगा। अभी हमको जो नजदीक वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा तो वो होगा आज का हाई, ये हमारे लिए एक लेवल मिल गया है 19,578। ये कल के लिए हमारे लिए एक नजदीक वाला रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा 19,492। ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, लगभग ये 19,500 है। तो राउंड फिगर 19,500 के ऊपर कल भी यहाँ पे क्लोज देता है और आज के हाई के ऊपर देता है तो ये यहाँ पे रिवर्सल होने का चांसेस यहाँ पे बहुत यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लेवल के ऊपर आप याद रखना। और आज आप देखोगे तो यहाँ पे जो आज का लो बनाया था तो मैंने जो वीकली लेवल दिया था, वीकली में जो कैंडल बन रहा है तो ये वीकली लेवल से ही इसे सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट कल भी बरकरार रखता है तो और भी अच्छा है। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है कल हम लोग देखेंगे 5 मिनट की चार्ट के ऊपर। तो मैं आज जितने भी आपको ट्रेड बताता हूँ तो मोस्टली जो ट्रेड है आप आरबीआई पॉलिसी के बाद ले वो अच्छा रहेगा। कल हमको बाय करना है 19,578 के ऊपर जाता तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हम लोग लो लेवल लगेंगे 19,492 के नीचे ही हम लोग सेल करेंगे कि दोनों भी लेवल से यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और आज पूरा दिन मार्केट उसके अंदर ही था। तो कल शायद आरबीआई पॉलिसी के बाद ये लेवल ब्रेक करे और आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी कंपेरेटिवली देखेंगे तो वैसे ही पॉजिटिव गया है। और कल मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक किया था और जो था 44,182 और अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो ये पॉजिटिव है। लेकिन आप देखो तो ये जो ऊपर वाला मेरा लेवल देखिए 44,397, देखिए अपने लेवल कितने सटीक चलते हैं। मार्केट यहाँ से ये रिवर्स आया है तो ये लेवल भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। 397 का जो लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे देखिए कि एक सपोर्ट लेवल के पास ही बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो 44,182 कल के लिए भी इंपॉर्टेंस होगा। और कल बैंक निफ्टी है निफ्टी से भी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है तो वहां पे आपको ये बैंक निफ्टी के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग देखेंगे तो इंट्राडे का बैंक निफ्टी का अगर चार्ट हम लोग देखते हैं तो ये कुछ अच्छा चार्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये लोअर हाई बनाते गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये पूरा डाउन ट्रेंड में गया था ऊपर जाने के बाद भी, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बट हमको बाय करना है तो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है कल और पहला हमारा जो लेवल है 44,270 के ऊपर जाता है और ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद तो हम लोग बाय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए जो है ये नजदीक वाला ही लेवल रहेगा अपना, ये 44,182 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे फिर निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पे एकदम डोजी कैंडल यहाँ पे आया है और फिर निफ्टी भी निफ्टी बैंक निफ्टी इतना ही यहाँ पे गैप अप के बाद पॉजिटिव हुआ है। फिर निफ्टी में थोड़ा सा ये जो गैप आया था ये गैप ही गया है इसलिए पॉजिटिव है। ऊपर का रेजिस्टेंस होगा 19,733 इसका रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा 19,536। फिर निफ्टी में इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हम लोग देखेंगे
हमको अगर बाय करना है तो सपोर्ट के नीचे जो सपोर्ट है 19698 के ऊपर जाता है तो हम लोग बाय करेंगे, और सेल करेंगे 19648 के नीचे हम लोग फिर निफ्टी में सेल करेंगे। दोस्तों कल हमने कुछ स्टॉक देखे थे जिसमें से TCS, तो TCS देखिए कि जो हमने कॉल दिया था एकदम परफेक्ट चला, डॉट टू डॉट अपने टारगेट के ऊपर गया। लेकिन दूसरा जो हमने ये दिया था रैमको सीमेंट जो है कि ये वर्क नहीं किया, यानी अपना 50% का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे और इन स्टॉक में आपको ट्रेड करना है तो RBI पॉलिसी है तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करना। पहला जो स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक, यहाँ पे एक्सिस बैंक अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए कि एक जो लेवल था यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और अभी यहाँ से इससे एक थोड़ा सा डोजी टाइप या रिकवरी कैटल बना है। कल हम लोग बाय करेंगे 1009 के ऊपर और पहला जो उसका टारगेट हो सकता है 1023 का पहला टारगेट आ सकता है। सेकंड जो स्टॉक है भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल में भी हम लोग देखेंगे तो ये लोअर हाई बना रहा है और एक कॉपर हैंडल जैसा ये जो है कि पैटर्न बना रहा है। 929 के ऊपर हम लोग उसमें बाय करेंगे, 940 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में और क्लासरूम में तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।